बहुत सारे changes हैं बहुत सारे differences हैं अगर पिछले साल इसी दिन एट दाइम मैंने मैथमेटिक्स पढ़ने पर लेवल स्टार्ट नहीं किया होता तो मैं पॉसिबली आपके सामने नहीं खड़ा होता क्योंकि तब मुझे फिजिक्स भी नहीं आती सो so, टुडे इज अ स्पेशल डे और इसी ओकेशन पे मैं कुछ क्वेश्चंस वो भी मैथमेटिक्स के जो वेक्टर जबरा होता है उसके सॉल्व करने जा रहा हूँ बिकॉज मैनी क्वेश्चन कम ऑन दी व्हाट्सएप एंड आई हैव पिक्ड अप टू ऑफ देम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद ऑल अव हैप्पीनेस चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट Find the angle between two vectors, vector A and vector B. विथ मैग्नीट रूट थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवलीविंग डॉट वैक्टर बील्स b सिक्स अब ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है इट इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन बस करना क्या है आपको मैथ्स लगाने से सिर्फ फिजिक्स का भी हो सकता है जो फिजिक्स में इलेवंथ में हमें वेक्टर एल जबरा पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा सा लेकिन वो इंट्रोडक्शन होता है ट्वेल्थ में पूरा मैथ्स में चैप्टर बन जाता है चलो आप वेक्टर डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला लिखते हो क्या लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा अगर ना आप यहाँ पे लिख दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैं सिंपली ए लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ़ वेक्टर बी मैं सिंपली बी लिख देता हूँ कोई भी डायरेक्शन तो होगा अब उस डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल होगा एंगल क्या होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन तो कौन सा अमाउंट ऑफ रोटेशन होना चाहिए ताकि एक वैक्टर दूसरे वैक्टर पे आए उसे हम लोग थीटा बोलते हैं तो एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने क्या एज्यूम किया मैंने थीटा एज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं कि बनता मैंने थीटा एज्यूम कर लिया यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता है आई नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज रूट ओवर सिक्स मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि मैं सिंपली ए लिख रहा हूँ मुझे क्या पता है दैट इज रूट एंड देन मुझे यह बात भी पता है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी इज बी विच आर एट एज यूनिट्स यहां पे यूनिट्स भी होगा सो एज अ होल अल इज ऑल्सो यूनिट्स अब यहां पे यूनिट इन टू यूनिट ओके अब ना अगर मैं देखूं, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता नहीं है कि कौन से एस आई सी जी एस या फिर ये क्वांटिटी है ही क्या ये कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़ है वे फोर्स हो सकता है अब टेम्परेचर नहीं होगा बिकॉज दैट इज स्केला क्वांटिटी। अब इसके साथ एक्सेलरेशन हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है तो हमें पता नहीं कौन से यूनिट लगेगा तो यूनिटी यूनिट unit डाल दिए चलो मुझे पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रूट सिक्स है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को रूट सिक्स से हम लोग रिप्लेस करेंगे इक्वल्स मुझे ये बात भी पता है दिस इज रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई में मुझे ये भी पता है इज टू इंटू में कॉस ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे फाइव भी हो सकता है रूट थ्री इंटू टू इज टू रूट थ्री कोज ऑफ थीटा ऑब्वियसली अगर मैं लिखता हूँ कि रूट सिक्स इज टू रूट थ्री कॉस ऑफ एंगल थीटा तब ऑफ कोर्स यहाँ से अगर मुझे cos of theta चाहिए तो मैं लिख लूँगा कि cos of angle theta is दोनों साइड आप क्या करो दोनों साइड आप 2√3 से डिवाइड कर दो हम लोग बोलते हैं कि 2√3 को इधर ट्रांसफर करो ऐसा होता ही नहीं है दैट इज अ रॉन्ग मेथड मतलब हमारा आंसर सही आता है लेकिन जो बोलने में हमारे कांसेप्ट रहते हैं दे आर नॉट क्लियर यहाँ पे इसको ट्रांसफर कैसे कर दोगे आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते बस इसे एलिमिनेट यहां से कर सकते हो तो उसके लिए दोनों साइड टू रूट थ्री से आप डिवाइड कर दो तब यहाँ से वन टाइम में कैंसिल हो जाते और यहाँ कुछ नहीं बचता एक्सेप्ट थीटा और हमें लगता है कि ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया और डिवीजन में आ गया लेकिन ऐसा नहीं होता वी हैव डिवाइडेड बोथ साइड और कभी कभी मल्टीप्लाई होता है एड होता है सब होता है चलो थीटा इज रूट सिक्स ओवर

Root 3 into root 2, क्या होता होता है है बड़ा हो गया ये 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 रहा रहा मेरा 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 जो जो से डिफरेंट वैल्यू देता है सो वी आर डूंगय टू यहाँ पे बचा रूट टू अपन टू मल्टीप्लाई कर दो अप एंड डाउन टू इन टू मल्टीप्लाई कर सकते हो टू रूट टू ओके अपन में यहाँ पे टू एंड टू तो आई थिंक वही रिजल्ट आ रहा है रूट टू अपन टू सो इफ यू वांट आप यहाँ से ना क्वेश्चन वर्स रिकग्नाइज कर सकते हो लेकिन स्टिल अगर नहीं मन में आ रहा तो आप यहाँ पे अपना ना रूट टू अपन में रूट टू मल्टीप्लाई कर दो रूट टू अपन रूट टू क्योंकि ये टू और टू से मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट आ रहा है चलो अब ना क्या करते हैं रेशनल के लिए रूट टू अपन रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं रूट टू इन रूट टू इज वॉट इज रूट टू रूट ओवर टू इंटू टू अब टू इंटू टू फोर रहेगा रूट ओवर टू फोर इज टू ये बचा टू अपन में यहाँ पे है टू रूट टू टू इंटू रूट टू टू रूट टू टू एंड टू कैंसिल ये बचा वन बाय रूट कॉस थीटा मेरे यहाँ पे हो गया वन बाय रूट टू चलो अब मैं क्या करूँगा थीटा के लिए मुझे इसका कॉस इनवर्स करना है सो थीटा इज कोस इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू का कॉस इनवर्स सोचो अब कौन सा एंगल होता है जिसका कोस कोसाइन निकालने पे मुझे वन बाय रूट टू मिलता है वही एंगल सोचना है तो ऑफकोर्स फोर्टी फाइव डिग्री होता है 45 डिग्री पे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं अब हो सके ना तो आप इसे ड्राइव भी कर सकते हो बट दैट इज जस्ट अ लॉन्ग स्टेप ऑफ ड्राइव करने पे बहुत ही लंबा पड़ जाता है सो वी आर गोइंग टू राइट इट फोर्टी फाइव डिग्री तो फोर्टी फाइव डिग्री का हमें चाहिए रेडियंस में क्योंकि हम पढ़ते तो हमेशा डिग्री में है We study in degree. लेकिन degree, angle का SI unit है ही नहीं जो एंगल का ऐसा SI यूनिट होता है दैट इज वोट दैट इज रेडियन तो फोर्टी फाइव डिग्री को रेडियन में सोचो फाइव बाई फोर होगा अफकोर्स पाई रेडियन को तो पाई रेडियन मैं लिखता हूँ 180 डिग्री अब क्या आप कर सकते हो यहीं से 1 रेडियन का क्या 1 रेडियन इज वॉट 180 एटी अपन में डिवाइडेड बाय पाई इन डिग्रीज सो फ्रॉम हियर यू जस्ट गेट इट अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो ओके हियर यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई आई थिंक ना दिस विल बी सॉल्व दिस इज पाई बाई वन एटी डिग्री ओके दिस इज पाई अपन वन एटी अब अगर आपको यहाँ से फोर्टी फाइव का चाहिए इफ़ यू जस्ट वॉन्ट ओ फोर्टी फाइव फ्रॉम हेयर तो सॉरी ओप्स वी हैव टू फाइंड ओवर डिग्रीज हमें यहाँ पे ना डिग्रीज में फाइंड आउट करना है सो वी नीड टू ट्रांसफर दिस है एक्चुअली मोर करेक्टली डिवाइड अगेन आई रिपीटेड दिस सेम मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे इम्प्रूव करके बताया था सो so, अगर मैं पाई रेडियन 180 डिग्री लिखता हूँ सो हियर आई नीड फॉर 45 डिग्री फॉर विच आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड टू फाइंड आउट फॉर वन डिग्री वन डिग्री इज वॉट रेडियंस उसके लिए मैंने वन एटी दोनों साइड वन एटी एंड वन एटी से डिवाइड कर दिया यहाँ पे मेरा वन डिग्री बच रहा है सो सोज आई एम लेफ्ट विथ वन डिग्री मतलब वन डिग्रीज पाई अपन वन एटी रेडियन एंड इफ इट इज पाई रेडियन अपन में वन एटी मतलब पाई अपन एटी को रेडियन में लिख देते हो सो अफकोर्स अब आपको यहाँ से फोर्टी फाइव डिग्री के लिए भी मिल जाएगा दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई कर सकते हो वन इन टू फोर्टी फाइव डिग्री ये हो गया पाए रेडियन अपन में वन एटी अब यहाँ पे भी फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई कर दो क्या मिला फोर टाइम्स फोर्टी फाइव डिग्रीज पाई अपन फोर रेडियन दिस इज पाए अपन फोर में रेडियन चलो वी कैन जस्ट गेट इट हियर। हमारे पास ये भी मिल गया तो क्या है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? थीटा इज़ पाए अपन फोर रेडियॉन सिर्फ कैलकुलेशन में ना थोड़ा टाइम लगता है बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आप नहीं से बस कुछ ही लाइन्स में कर सकते हो आई थिंक यू टू रिक्वेट जस्ट टू लाइन्स बट हमें अच्छे से टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सड एज अग प्रॉब्लम एक कोई भी क्वेश्चन हो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रेफर हो सकती है huh? और उन्ही प्रॉब्लम पर तो हमारे साइंटिस्ट और मैथेमेटिशियन सोचते हैं एंड देन अव फील्ड ऑफ स्टडीज डेवेलप्ड सो दिस वॉज ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन विद अ लॉन्ग आंसर ओके अब आंसर जो मेन है वो भी छोटा है सॉल्यूशन छोटा होना चाहिए दो लाइन का था बट वी हैव गॉट इट अप टू एंड सक्सेसफुली द क्वेश्चन इज सॉल्व एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन